हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें अपन आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो सबसे पहले कमेंट कर दो अपना नाम, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, ये जो हमारे बच्चे ये क्लास हमारे रेगुलर कर रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और यार फ्रेंड, अभी 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, आपको पता है कि जब तक 1000 नहीं होंगे अपन लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। और लाइव क्लास में क्या बच्चों, कि जो आपका लाइव डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा उसमें। तो प्लीज़ यार फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो ताकि वो सब्सक्राइब करें। अपने घर में भी जितने मोबाइल्स वगैरह उनसे आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम लाइव क्लास ले पाएँ। तो चलिए हटाइए, आप बात करते हैं अपन कि आज अपन करने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है? जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, आज उसी के बेसिस पर अपन क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि एक बॉडी है, ये आपका क्या है बॉडी, इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है, लोड। तो लोड लगने के बाद आपको हो सकता है ये स्ट्रेस निकालने के लिए दे दे। तो देखो, अपन ने पढ़ा था ना स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस निकाल लेंगे। दूसरा अगर आपको बोल दे स्ट्रेन निकालने के लिए, तो अपन यहाँ से डेल एल अपॉन एल करके स्ट्रेन निकाल लेंगे। तीसरा बोल दे इलास्टिसिटी निकालने के लिए, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और चौथी चीज़ अगर चेंज इन लेंथ बोल दे, क्या बोल दे, चेंज इन लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है, तो उसको अपन किससे निकालेंगे, पी एल अपॉन ए से। तो ये फॉर्मूले मैं आपको इससे पहले क्लास में बता चुका था, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो अच्छी बात है। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? देखो, होता क्या है ना कि आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल करो, आपको सारी यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट सेंटीमीटर में है, कोई मीटर में। तो आप इस बात को एकदम क्लियर कर लो कि आप सोम या तो कभी भी किसी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल बना रहे हो, तो जो भी डाटा होगा सबके यूनिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपका जो आंसर है वो भी गलत आएगा पूरी तरीके से। तो न्यूमेरिकल तो बनाना है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले अपन को उसके यूनिट्स पर ध्यान देना है कि सारे यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए, तो आप कुछ यूनिट कन्वर्सन है इसको नोट कर लीजिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में, अगर आपको कभी मीटर दिया हुआ रहे और आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका मीटर किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में बदल जाएगा। दूसरा, कि अगर कभी आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़े, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका जो मीटर है वो किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तीसरी जो चीज़ है कि कभी आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना पड़े, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका उल्टा कन्वर्जन भी सीख लो। देखो, उल्टा कन्वर्जन क्या होगा, अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो देखो, जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलना था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसका उल्टा करोगे तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे, 100 से। चलिए छठा देखिए, अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में करना हो, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो खैर, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बच्चों को पता भी होगा, क्लास 7-8 की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रखो। अब बात करते हैं फोर्सेस के यूनिट में, ठीक है? कि फोर्सेस का यूनिट आपको पता है कि फोर्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है? और भी यूनिट्स होते हैं, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन। तो आइए देखिए इनका कन्वर्जन, कि कभी आपको दिया हुआ रहे किलो न्यूटन, क्या दिया हुआ है, किलो न्यूटन दिया हुआ है, अगर आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आप 10^3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये किलो न्यूटन किस में बदल जाएगा, न्यूटन में। दूसरी बात, अगर आपको मेगा न्यूटन को न्यूटन में बदलना है, ये MN क्या है, मेगा न्यूटन, तो आप क्या करेंगे, 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मेगा न्यूटन किस में बदल जाएगा, न्यूटन में बदल जाएगा। तीसरी चीज, GN मतलब कि जेगा न्यूटन, तो अगर जेगा न्यूटन को आपको न्यूटन में बदलना है, तो आप 10^9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जीगा न्यूटन किस में बदल जाएगा, न्यूटन में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा कन्वर्जन। कभी कभी क्या करता है फ्रेंड्स,
आपको एमपीए दे देता है। क्या दे देता है? एमपीए। इसका मतलब होता है मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या होता है? मेगा पास्कल। तो जब भी आपको मेगा पास्कल दिया हुआ रहे, एमपीए दिए रहे, तो आप समझ जाना कि ये किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है कि एमपीए जो होता है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अब बोलोगे सर आपने एमपीए तो बताया, यहाँ पीए का मतलब क्या होता है? तो पीए का मतलब पास्कल, जो कि किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कभी क्वेश्चन में आपको पास्कल दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। छठी बात कि अगर कभी जीपीए दिया हुआ है, मतलब कि जीगा पास्कल, देखिए मैं सबको अच्छे से डिनोट कर रहा हूँ, आप लिख लेना, साइड में नोटेशन लिखना होगा। तो को अगर आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप 10^3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीगा पास्कल किस में बदल जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, नोटेशन लिख लो, के एन का मतलब किलो न्यूटन, एमएन का मतलब मेगा न्यूटन, जीएन का मतलब जीगा न्यूटन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्या है, पूरा कन्वर्जन टेबल है। ये आपका क्या है, पूरा कन्वर्जन टेबल है, एकदम याद कर लो। ठीक है, और इस कन्वर्जन टेबल के अलावा फॉर्मूलेज याद कर लेना है कि स्ट्रेस होता है पी अपॉन ए, स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और चेंज इन लेंथ डेल एल होता है पी एल अपॉन ए। अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं तभी आप आगे का लेक्चर देख के क्वेश्चंस को अटेंड करना। और बच्चों अगर ये पिछली चीज़ें क्लियर नहीं तो आप सबसे पहले पिछला वीडियो देखो ताकि आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाए, तब आप आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अपन चलते हैं न्यूमेरिकल में। किसमें चलते हैं? न्यूमेरिकल में। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, दो बार पढ़ लो, मेरे को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखो, दो बार पढ़ो, उसके बाद आप आगे का लेक्चर्स को देखना। चलिए फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा और दो बार पढ़ भी लिया होगा, और जो बच्चे होशियार हैं कंटिन्यू देख रहे होंगे उन्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, तो यार वो गलती मत करो, क्वेश्चन को लिख लेना पहले, दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना, तब जाके आगे के लेक्चर को देखना। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों हमारा, सबसे पहला काम ये होगा कि अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उससे क्या करेंगे, डाटा को बाहर निकालेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है ए रॉड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रॉड है जिसकी लंबाई, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबाई। तो चलिए यहाँ से अपन को एल दे दिया है क्योंकि लेंथ, लेंथ मतलब कि लंबाई किसी रॉड की कितनी दी हुई है, 150 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर सर हिंदी में व्यास कहते हैं उसे, डायमीटर कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूसरा डाटा क्या मिल गया अपन को, दूसरा डाटा मिल गया कि जो रॉड है उसकी डायमीटर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मान लो कि ये आपका रॉड है, इसकी लंबाई आपको दे दिया है, ठीक है, और इसका डायमीटर आपको दे दिया है कि इसकी डायमीटर दी जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इस सब्जेक्टेड मतलब उसको सब्जेक्ट बनाया गया है टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, मतलब उस रॉड पे एक पुल लगाया जा रहा है, मतलब उसे बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में, पुल मतलब बाहर खींचना होता है, तो कितना पुल कर रहा है, 20 किलो न्यूटन। तो इस पे ऐसे बाहर की तरफ कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 20 किलो न्यूटन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लोड को पी, 20 किलो न्यूटन। आया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखना। देखो ए रॉड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसकी लंबाई, एंड अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर मतलब इसका डायमीटर, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, पुल मतलब बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब वो लोड की बात कर रहा है, कौन सी लोड, टेंसाइल लोड की बात कर रहा है, ऑफ 20 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल का दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे अपन, ई बोलेंगे, मतलब कि इलास्टिसिटी भी आपको दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब कि निकालिए, क्या निकालिए, सबसे पहला स्ट्रेस निकालिए, सबसे पहले आप क्या निकालिए, स्ट्रेस निकालिए, मतलब कि आपको सिग्मा निकालना है, दूसरा स्ट्रेन,
दूसरा क्या निकालना है आपको, स्ट्रेन निकालना है, मत की एप्सिलॉन निकालना है, और तीसरा क्या, इलोंगेशन ऑफ रॉड। तीसरा क्या है, इलोंगेशन ऑफ रॉड। तो इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, मतलब इलोंगेशन का मतलब आप समझ जाओ क्या बोल रहे हैं आपको, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इलोंगेशन का मतलब क्या बोल रहा है, वो चेंज इन लेंथ। और इसका एक और वर्ड होता है, इसको भी लिख लेना ब्रैकेट में, एक्सटेंशन। कि जब भी आपको एक्सटेंशन बोले तो आप समझ जाना कि वो चेंज इन लेंथ की ही बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अपन ने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, डाटा को निकाल लिया अपने हिसाब से। अब इसका क्या करना है, अपन को यूनिट कन्वर्जन करना है। मतलब जो भी आपको डाटा दिया हुआ है सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इससे सेम करने के लिए मैंने आपको टेबल बताया था ना, चलिए उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो लेंथ एल कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। डायमीटर डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। पी दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, मतलब ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये किलो न्यूटन। और इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2×10⁵ न्यूटन पर mm². देखो यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे क्या है, mm². तो आपको सबको एक यूनिट में करना है, तो क्यों ना अपन mm और न्यूटन में कर लें। तो एक बात बताओ, ये 150 सेंटीमीटर है ना, अगर इसमें अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1500 mm। आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1500 mm। डायमीटर अगर इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर किसमें बदल जाएगा, मिलीमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 20 मिलीमीटर। पी आपका लोड किसमें दिया हुआ है, 20 किलो न्यूटन। आपको पता है कि किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो अब देखो, मिलीमीटर मिलीमीटर, न्यूटन और न्यूटन पर मिलीमीटर। अब आपका क्या है, अब आपका जितना भी यूनिट है वो क्या है, सेम है। हमने क्या किया, सबको मिलीमीटर में और न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखिए सब मिलीमीटर और न्यूटन, और ये न्यूटन पर mm². देखो सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस एक डाटा की कमी है, एरिया। तो एरिया के लिए आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान देना कि जब कभी भी आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि वो सर्कुलर है, क्योंकि रॉड जो होता है ना, सरिया, वो सर्कुलर ही होता है। तो आपका काम सबसे पहला है कि आप एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रॉड, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रॉड हमेशा होता है π/4d² आप हमेशा ध्यान देना कि एरिया ऑफ सर्कुलर रॉड क्या होता है, π/4d² कि जब भी आपको डायमीटर दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला यही होगा, इसको नोट भी कर लेना। चलिए, तो 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लेना, ये हो गया 4d। डायमीटर कितना है, 20, तो 20 का होल स्क्वायर, तो ये 3.14/4, 20 का होल स्क्वायर करोगे मैं, 20×20 हो जाएगा 400, 4 से 400 चला गया 100 बार में, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 314 mm². तो फ्रेंड, यहाँ से अपन को डेलेल भी निकालना था ना, यहाँ से अपन को एरिया का वैल्यू पता चल गया, 314 mm². ठीक है, तो अब हम जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को सारा डाटा पता चल गया। तो आप इतना नोट करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे डिटरमाइन, सबसे पहले अपन को स्ट्रेस निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, स्ट्रेस। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P/A, मतलब कि लोड अपॉन एरिया। तो आप देखो, आपको P पता है, 20×10�³, और आपने अभी एरिया निकाला था 314। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 20, और इसको लिखूँगा 1000, तो ये 3 जीरो इसके पीछे आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1000, 10³/3/314। तो फ्रेंड देखो, आप लोग घर पे हो गए अभी, तो आप लोग कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर या तो गेट का कैलकुलेटर, देखो मैंने गेट का कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया, आप कोई भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना मोबाइल में और उसी को यूज़ करना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, 20,000/314, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 63.694। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया। अब इसकी यूनिट देखो, ये आपने लोड किस में लिया था, न्यूटन में, और एरिया किस में लिया था, मिलीमीटर स्क्वायर में, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला आंसर। देख लिए, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेस P/A, P
पी की वैल्यू देखो दिया हुआ था, अपन ने लिखा ए की वैल्यू दी हुई थी, अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपल सा हमारा स्ट्रेस निकल गया। तो आप इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्ट्रेस बहुत सिंपल था, अपन ने उसको निकाल भी लिया। अब अपन क्या निकालना है, अपन को निकालना है स्ट्रेन। क्या निकालना है? स्ट्रेन। तो मैं आपको बोलूँगा, सबसे पहले आप इलांगेशन निकाल लेना, मतलब कि चेंज इन लेंथ निकाल लेना, ताकि स्ट्रेन निकालना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अपन सबसे पहले थर्ड पॉइंट निकालेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोला था? इलांगेशन ऑफ द रॉड, ऑफ द रॉड। और मैंने आपको बता दिया इलांगेशन का मतलब क्या, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चलिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि डेल एल क्या होता है, पी एल अपॉन ए। चेंज इन लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या होता है, पी एल अपॉन ए। तो आपको ध्यान देना है, और चलिए मैंने तो यहाँ फॉर्मूला बता दिया, आप याद भी कर लीजिएगा। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। तो पी कितना है, पी 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 20 × 10³। तो 20 × 10³। एल कितना है, एल है 1500, तो एल की जगह पे कितना लिख दिया, 1500। ए कितना है, 314। और ई कितना है, 2 × 10⁵। 2 × 10⁵। अब ऊपर वाले को भी एक्सपेंड कर देंगे, नीचे वाले को भी एक्सपेंड कर देंगे, फिर देखते हैं उसको अपन डिवाइड करके कैसे लाते हैं। तो एक बात बताओ, 20 × 15, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 30। 10, 20, 30, हाँ, और 10³ का 1, 2, 3, 0। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 314 × 2 × 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, चलिए। तो 10 से 10 कैंसिल, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर बच गया 300, और नीचे क्या बचा, 314/2। तो हमने क्या किया था, हमने सिंपल से इसको एक्सपेंड किया और जीरोस को क्या किए, काटे। चलिए, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 300, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से ही कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो आपको करना है 300/628, 300/628 आपका आंसर आ जाएगा, 0.477 मिलीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया चेंज इन लेंथ, मतलब कि इलांगेशन। देखो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करना था ना। चलिए, तो आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन निकालेंगे थर्ड क्या, स्ट्रेन। और अगर डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, लिखिए। चलिए, तो अपनों को क्या निकालना था, स्ट्रेन निकालना था। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। आपने अभी डेल एल निकाला था ना, 0.477, और एल कितना है, 1500। तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, मोबाइल वाला जो भी है, 0.477/1500। तो फ्रेंड ये देखो, मुझे ऐसा कुछ डाटा दिखा रहा, 3.18 e-4। अब बोलोगे सर ये क्या कांड हो गया, आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो या तो डिजिटल कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऐसा आंसर दे दिया, 3.18 e-4। अब बोलोगे सर e क्या होता है, तो e का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 का पावर। e क्या बताता है, e बताता है 10 का पावर। e का मतलब है 10 का पावर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3.18, e का मतलब होता है 10 का पावर, ये आगे का इसका पावर बताता है, तो -4। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको कभी ऐसा दे दे 4.7 e 9, तो आप क्या समझोगे कि ये 4.7 × 10⁻⁹ की बात कर रहा है, क्योंकि e का मतलब होता है 10 और इसके बाद वाला क्या होता है, पावर। अगर कभी आपको कुछ ऐसा दे दे 5.4 e-9, तो आप क्या लिखोगे, 5.4 × 10⁻⁹। तो ये आपको e का मतलब होता है 10 का पावर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार में सोम कभी भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है, ये तो खैर पहला क्वेश्चन था,
जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक बार में समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आ रहा समझो आपको बहुत आ रहा है, दो तीन बार चार बार देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी होगा, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। सबसे पहले मैं फिर आखिरी बार बता दूँ, क्वेश्चन को आप लिखो, दो बार रीड करो, तब आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फ्रेंड आई होप आपने ये काम कर लिया होगा, क्वेश्चन को लिख के पढ़ लिया होगा। अब आप आइए मेरे साथ पढ़िए। कह रहा है फाइंड द मिनिमम डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर निकालना है। तो आपको डायमीटर निकालना है ऑफ अ स्टील वायर, इसका फ्रेंड स्टील वायर का आपको डायमीटर निकालना है, विच इज़ यूज, जिसका इस्तेमाल टू रेज अ लोड ऑफ 4000 न्यूटन। मतलब कि एक वायर है जिसका डायमीटर आपको पता नहीं है, लेकिन इस वायर से आपको इतना लोड उठाना है, इस वायर से आपको इतना लोड उठाना है। कितना लोड उठाना है फ्रेंड? 4000 न्यूटन का। तो आपको पी दे दिया है कितना, 4000 न्यूटन। इफ़ द स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस इन द रॉड, जो रॉड में स्ट्रेस जनरेट होगा, इज नॉट एक्सीड, वो नहीं बढ़ेगा कितने से, 95 MN/m² से। मतलब उस जो वायर है उसमें जो स्ट्रेस है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप स्ट्रेस कितना मान लो, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, 95 MN/m². तो ये आपको दिया हुआ है डाटा, अपन को निकालना है इसमें से डायमीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। तो आप यहाँ यूनिट देखो, ये न्यूटन में है और ये किस में है, मेगा न्यूटन में, गलत बात है ना। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर मेगा न्यूटन को न्यूटन में बदलना है तो 10^6 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 95 × 10^6 N/m². इसको मीटर में ही रहने दो, अगर हमने यहाँ पे मीटर में डाटा दे रहे हैं तो हमारा जो डायमीटर निकलेगा वो मीटर में निकल जाएगा, तो उससे अपन को परेशान होना नहीं है। चलिए तो अपन को डायमीटर निकालना है, जिसके लिए अपन को स्ट्रेस दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिमाग लगाना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो कि स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया। एरिया को इधर भेज दो तो स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी। तो स्ट्रेस क्या दिया हुआ है फ्रेंड, देखो एरिया को इधर भेजे ना, स्ट्रेस अपन को क्या दिया हुआ है, 95 × 10^6। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, π/4d² पता है ना, π/4d² और पी कितना है, 4000। देखो एक आपका एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, इसमें सभी कुछ पता है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डी पता नहीं है। तो केयरफुली चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड ये 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 × 10^6, पाई की वैल्यू 3.14, बचा यहाँ पे d² और ये 4000, 4 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है फ्रेंड, अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 95 × 3.14 तो ये हो जाएगा 298.3 × 10^6, वैसे ही रहने दो, d² इज इक्वल्स टू ये 4 जा हो जाएगा 16000। तो अब इनको क्या करो, क्रॉस में नीचे भेज दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ बच जाएगा सिर्फ d² और ये क्रॉस में नीचे जाएगा तो 16000/298.3 × 10^6। चलिए तो थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लो कि 16000/298.3, क्या तुम इसको लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, क्योंकि 10^6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो कहाँ पे लिख दूँ, आप इतना नोट करो पॉज करके। चलिए आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। हाँ तो अब क्या करो फ्रेंड, बचा ऊपर में 16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे था 298.3 और यहाँ पे 1000 बच रहा था, तो 1000 को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो।
तो 298300 ये आपका निकल गया डी स्क्वायर की वैल्यू। अब आप फ्रेंड डी निकालना है ना, आप कुछ मत करो, इन दोनों को डिवाइड करो ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल दो। उसका क्या निकाल दो? रूट। तो देखो कैलकुलेटर में आपका ऐसा सिंबल होगा रूट वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड करो और जो भी आंसर आए उस पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। आपका रूट दिया हुआ होगा कैलकुलेटर में इस प्रकार का। तो हम यहाँ पे देखिए आपके सामने डिवाइड कर रहे हैं, 16 डिवाइडेड बाई 298300 और हम उसमें लगा दे रहे हैं सीधा रूट। तो ये मुझे आंसर मिल गया 0.0073 मीटर। ये आपका क्या हो गया? डायमीटर। ये आपका प्यारा सा आंसर। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेना और यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अपन को 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है ताकि अपन लाइव क्लास ले पाएँ। तो लाइव क्लास में क्या है फ्रेंड, जो भी डाउट होगा वो मैं आपका क्लियर कर पाऊँगा। तो अपने कॉलेज फ्रेंड में, अपने घर के मोबाइल से, फ्रेंड के मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपना 1000 सब्सक्राइबर हुआ अपना लाइव क्लास ऑन हो जाएगा, उसकी बात ही कुछ अलग है, तो मेरा भी कुछ समय बचेगा। ठीक है फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो आप इसको नोट करो। थैंक यू सो मच।